देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, फोकस आपको जो दिया हुआ देखो आपका नाव देख सर, सॉल्यूशन नंबर 7 आई एम राइटिंग हियर, आपका नाव देखो देख सर, फोकस नाव दैट इज 6,0 एंड आपका नाव देखो दिस द डायरेक्ट्रिक्स आपका एक्स इक्वल टू -6। सबसे पहले तो नाउ यू हैव टू क्लियर दैट ये जो फोकस है दिस फोकस बिलोंग्स टू राइट हैंड लेफ्ट हैंड अप डाउनवर्ड, जो चार पैराबोला है उनमें से किसके लिए होता है पहले तो आपको ये क्लियर करना होगा। आपका नाउ देखो दिस राइट हैंड के लिए आर यू श्योर? ओके तो नाउ इसमें सबसे पहले आपको अब क्या निकालना है अभी आपका नाउ देखो दिस इज एक सवाल जब आप करेंगे तो आपको इजीली आ जाएगा ये आपका नाउ दिस इज लेट जी कुछ कह रहे हैं एनी पॉइंट ऑन पैराबोला पैराबोला पे जैसे आप करते थे अगर आपको याद होगा आपका देखो एक एस यहां पे होता था ये पी आपने जो दिस पॉइंट आपका देखो एक्स को वाई आपने ये ले लिया आपका नाउ देखो दिस इज इट क्लियर तो नाउ दिस लेट एनी पॉइंट ऑन पैराबोला पी इट हैज ए कोऑर्डिनेट आपका देखो ना ये एक्स कॉमा वाई हो गया देन देन डिस्टेंस आपका नाउ देखो दिस सो काम भी नहीं कर रही ये फिंगर देखो डिस्टेंस ऑफ फोकस तो फोकस आपका क्या है 6,0 दिस 6,0 यानी कि क्या होता है 1,0 होता है यही होता है वो आप देखो ए अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपने ये निकालनी है आपका देखो ना देखो तो ये आपका फ्रॉम पॉइंट ये आपका जो है एक्स कॉमा वाई से आप इसको निकालिएगा आपका ना देखो ठीक है सर तो देखो अब आप क्या करेंगे इसको आपका नाम एक्स वन कॉमा वाई वन ले लीजिएगा एंड इसको आपका देखो यू हैव टू टेक इट एक्स टू कॉमा वाई टू ले लीजिए आज ये बिल्कुल ठंड से काम नहीं कर रही हम इसलिए देखो इक्वल टू इक्वल काम तो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर हो गया नाउ देखो दिस x माइनस सिक्स का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर हो गया सही क्लियर है एंड अब आपका देखो एंड अब आपने क्या निकालना है दूसरी चीज आपका नाम डिस्टेंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना है सर x इक्वल टू -6 कहां से निकालेंगे फ्रॉम पॉइंट आपका देखो पी एंड पी के कोऑर्डिनेट लिखो ये जो आपके डायरेक्ट्रिक्स है जो एक्स इक्वल टू -6 के लिए आपका नाम दस फिगर जब आप बनाएंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आपका जो होगा वो आपका तो देखो ये तो ये इक्वल टू आपका क्या होता है अगर आपने पढ़ाया हो आपको तो ये दिस इज तो एक्स इक्वल टू -6 है तो एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 हो गया इक्वेशन अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर एक्स का कोफिशियंट 1 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर आप लिख देंगे एक्स का कोफिशियंट है इज इट क्लियर ये आपका कितना हो गया सर आपका एक्स प्लस 6 ही आएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर हुआ आपका रूट से हो जाएगा। अब तीसरी चीज देखो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला तो पैराबोला की डेफिनेशन क्या है इसीलिए इतना लंबा कुछ आपको लिखाया था ये इक्वल टू क्या था आपका नाम डेफिनेशन डेफिनेशन क्या था कि यहां देखो ये बिल्कुल क्लियर बता देगा आपका नाम कि ये डिस्टेंस ऑफ फोकस फोकस आपका क्या 6,0 आपने देखो फ्रॉम आपका देखो पॉइंट आपका देखो पी एक्स कॉमा वाई ये जो आप देख रहे हैं इक्वल टू ये आपका ये इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा जो ये दिस अब आप इसको पी एम लिखते हैं या क्या लिखते हैं आपका देखो तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फ्रॉम पॉइंट आपका देखो ए पी ये हो इसका ये पैराबोला की डेफिनेशन इसीलिए इतनी डिटेल आपने लिखी थी देखो आपका क्या हो गया ये देखो दिस रूट के अंदर एक्स माइनस सिक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू देखो एक्स प्लस सिक्स का होल स्क्वायर सॉरी एक्स प्लस सिक्स ये है सर देखो दिस बस अब आप क्या करिएगा स्क्वायरिंग ऑफ
बोथ साइड्स कर दीजिएगा एक्स माइनस सिक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे तो यू अप्लाई ये आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी एन प्लस बी स्क्वायर, आपका दिस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस थर्टी सिक्स प्लस वाई स्क्वायर ई, इसको आपने ओपन किया और ये रूट आपका वन बाई टू में और स्क्वायरिंग किया, ये देखो ये हो गया इक्वल टू वो आपका क्या हो गया यहाँ स्क्वायरिंग किया तो ये आपका देखो एक्स प्लस सिक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इट क्लियर सर, ये स्क्वायर नहीं तो देखो अब आपका एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस थर्टी सिक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ओके टू से टू इक्वल ये यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर यू यूज किया तो देखो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स एम आई राइट 12x अब प्लस आपका ना देखो 36 ओटी में एक्स स्क्वायर एक्स के बोथ आर पॉजिटिव 36 36 इज इट क्लियर सो दिस y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 12x और माइनस आपका 12 तो y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 24x आपका ना देखो दिस चेक कर लेना ये गड़बड़ तो नहीं ओ इधर है ना ओ सॉरी तो प्लस प्लस ये देखो तो दिस y स्क्वायर इज इक्वल टू 24x is the equation of right hand side parabola. ये निकालना था मोहतरमा आपको. Is it clear? Please do it. Thank you very much.